बसपा ने किया विशाल प्रदर्शन। राजस्थान में मटके से पानी पीने को लेकर एक शिक्षक द्वारा दलित छात्र की बेरहमी से मारपीट कर हत्या करने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इसे लेकर देश भर में अलग अलग जगह प्रदर्शन भी जारी हैं। आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम चौक पर हजारों की संख्या में बसपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए और राजस्थान में हुई घटना के विरोध को लेकर प्रदर्शन करते हुए तहसील के लिए कूच किया। इस दौरान बसपा प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम के नेतृत्व में यह आक्रोश रैली एसडीएम कार्यालय पुरानी तहसील में पहुंची, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री व महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। साथ ही आरोपी शिक्षक को फांसी देने की मांग की। नरेश गौतम ने कहा कि देश में दलित समाज के साथ हुआ ऐसा बर्ताव आजाद भारत में उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो स्वतंत्रता दिवस के नाम पर आजादी के झूठे बखान करते हैं और सामाजिक समरसता का नारा देकर सभी को अपना भाई बताते हुए भेदभाव खत्म होने का दावा करते हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल ने कहा कि आज भी देश में दलित समाज के साथ छुआछूत जैसा भेदभाव बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय है। एक बच्चे को मौत के घाट सिर्फ इसलिए उतार दिया जाता है कि उसने एक टीचर के घड़े से पानी पीने की हिम्मत की और उसे इस गलती की सजा का फल उसे अपनी मौत के रूप में भुगतना पड़ा। वही विधायक सरवत करीम अंसारी ने कहा कि मैं ऐसे समाज और लोगों का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं जो एकमात्र छुआछूत जैसी सोच से एक दलित बच्चे की हत्या जैसा कृत्य कर सकते हैं। वहीं बाद में बसपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और आरोपी शिक्षक को फांसी देने की मांग की। मैं एक दलित समाज का जो बच्चा इंद्र कुमार मेघवाल था, उसकी एक उसने घड़े से पानी पी लिया तो उसके शिक्षक ने उसकी बहुत बर्बरतापूर्वक पिटाई कर दी, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। आज उसी के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन रखा गया है। आज बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी जिम्मेदार पदाधिकारी आज मिलकर के उप जिलाधिकारी रुड़की के माध्यम से आज राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देने का काम करेंगे, जिसमें हमारी बहुत सारी मांगे हैं और बहुत सारी मांगे उनको लेकर के आज राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। हो रही है जिस तरह इस बच्चे को एक टीचर ने मारा है। टीचर एक बहुत सम्मान आदमी होते हैं, सम्मान के आदमी होते हैं, लेकिन एक टीचर ने एक दलित के बच्चे को ये कह के मारा है कि भाई कि आपने जो है इस घड़े को हाथ क्यों लगा दिया। ये बड़ी शर्म की बात है, ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि हम देश के हम भी नागरिक हैं, स्वतंत्र देश में हम भी रहते हैं, हमारे समय वो लोग भी रहते हैं। तो इस तरीके की जो घटना है ये घटना नहीं होनी चाहिए, ये बहुत दुख की बात है। बहुत हरिद्वार से रणविजय कुमार की खास रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।